नमस्कार, खबर सराहट के में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति सोनी। भारत देश में अनोखी परंपराओं की कमी नहीं है, ठीक इसी प्रकार अनोखे मंदिरों की भी कमी नहीं है। हर मंदिर की अपनी विशेषता, मान्यता और परंपराएं हैं, और खास तौर से दक्षिण भारत के मंदिर तो कलाकृति से लेकर हर मामले में अपनी अद्भुत छाप छोड़ते हैं। यहाँ कई ऐसे अनोखे मंदिर हैं जहाँ चमत्कार तो आम बात है ही, यहाँ की अनोखी मान्यताएं और परंपराएं भी हैरान कर देती हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली सबसे अलग और अद्भुत है। आज खबर जरा हटके में आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ मिर्ची से अभिषेक किया जाता है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से रोग दूर हो जाते हैं। रोगों से दूर रहने के लिए यहाँ मिर्च का अभिषेक किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा मंदिर है, तो हम आपको बता दें कि ये मंदिर है वर्णामुथु मरियम्मन मंदिर, जो तमिलनाडु के सबसे बड़े जिले वेल्लुपुरम में विश्व प्रसिद्ध ओरोविले इंटरनेशनल टाउनशिप के पास एक गाँव है जिसका नाम है इंदियाचवाड़ी, वहाँ पर स्थित है। यहाँ हर साल 8 दिनों तक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें मिर्ची का अभिषेक देखने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये लोगों के स्वस्थ रहने की कामना के लिए किया जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार यहाँ के 3 सबसे वरिष्ठ लोग पहले अपने हाथ में कंगन धारण करते हैं और फिर दिन भर उपवास रखते हैं। इसके बाद उनका मुंडन संस्कार होता है, फिर पुजारी उन्हें देवताओं की तरह पूजा स्थान पर बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। फिर उनका विभिन्न सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है, जिसमें चंदन, कुचले हुए फूलों को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद मिर्च का अभिषेक होता है। इस प्रक्रिया में तीनों को मिर्च के लेप से स्नान कराया जाता है। उससे पहले इन्हें मिर्च का लेप खिलाया जाता है। इसके बाद आखिर में उन्हें नीम के जल से स्नान कराकर मंदिर के अंदर ले जाते हैं। यहाँ उन्हें जलते हुए अंगारों पर भी चलना होता है। बताया जाता है कि ये परंपरा करीब 85 सालों से निभाई जा रही है। हरि श्रीनिवासन को 1930 में स्वयं भगवान ने दर्शन देकर यहाँ के लोगों के रोगों को दूर रखने के लिए इस परंपरा को निभाने का आदेश दिया था, तभी से ये परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है।